नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारतीय टीम को 72 रनों की करारी हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि भारतीय टीम दूसरी पारी में मात्र 135 रन ही बना पाई। इसमें सबसे ज्यादा योगदान रहा अश्विन का, जिन्होंने 37 रन की अहम पारी खेली। एक समय लग रहा था कि भुवनेश्वर कुमार और अश्विन शायद टीम को जीत के करीब ले जाएं, लेकिन उन दोनों की ये पारी बेकार चली गई। आपको बता दें कि आज सुबह जब खेल शुरू हुआ तो भारतीय गेंदबाजों ने तहलका सा मचा दिया और साउथ अफ्रीका को मात्र 130 रन पर ऑल आउट कर जीत की उम्मीदें बढ़ा दी थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने एक बार फिर से निराशाजनक प्रदर्शन किया और टीम को 72 रनों की करारी हार का सामना करना पड़ा। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम आने वाले टेस्ट मैचों में कैसे वापसी कर पाती है या नहीं, या फिर टेस्ट श्रृंखला की शुरुआत मिली हार का दबाव इतना रहेगा कि आने वाले दो मैचों में भी टीम इंडिया को हार का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि विदेशी दौरे पर टीम इंडिया का प्रदर्शन कभी अच्छा नहीं रहता। लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि विराट कोहली ऐसे कप्तान हैं जो जीत के लिए खेलते हैं और उन्होंने 5 गेंदबाजों को खिलाकर ऐसा दिखाया भी, लेकिन टीम इंडिया को हार का ही सामना करना पड़ा। इस हार पर आपकी क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें।